नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया और सीधी तस्वीरें आप जो है इस समय रिलीफ कमिश्नर जम्मू के ऑफिस से देख सकते हैं, जहां पे जो है पीएम पैकेज के कश्मीरी पंडित इम्प्लॉयज है रिलोकेशन की जो डिमांड है उसको रिट्रेट कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप इस समय जो है रिलीफ कमिश्नर जम्मू के ऑफिस से देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज के तहत जो इम्प्लॉयज हैं वो रिलोकेशन की डिमांड को जो है वो दोहरा रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि उनकी रिलोकेशन जो है वो जम्मू में होनी चाहिए। इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है डिमांड जहाँ पे की जा रही है, मैं बता दूं सीधी तस्वीरें इस समय आप रिलीफ कमिश्नर जम्मू के ऑफिस से देख सकते हैं, यहाँ पे ये डिमांड कर रहे हैं कि इनकी डिमांड जो है वो सुनी जाए, रिलोकेशन की जो डिमांड है वो सुनी जाए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कश्मीरी पंडित इम्प्लॉयज भी हैं, क्या कहते हैं, काफी लंबी डिमांड आपकी, लगभग 2 महीने होने को आ रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है, क्या कहेंगे? देखो, कितना भी टाइम लगेगा डिमांड जो है वो कंटिन्यू रहेगी, डिमांड में कोई बैक ट्रैक नहीं होगा, ओनली वन पॉइंट डिमांड है, वो डिमांड कल भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी जब तक फुलफिल नहीं होगी। इस प्रकार की खबरें भी आ रही हैं कि आपको जो है वापस घाटी कश्मीर में बुलाया जा रहा है, क्या कुछ डीडीओ साहिबान हमें लग रहे हैं कुछ जल्दबाजी में है, उनको जो टॉप लेवल के ऑफिशियल्स की डायरेक्शन है उन पर उनको अमल करना चाहिए। जो पहली वार्ता बातचीत नहीं, इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो डीडीओ की बात होगी, आप क्या कहेंगे कि अगर बुलाया जा रहा है तो क्या कहता हूँ कि मैं वही कहता हूँ कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वेरी अनफॉर्चुनेट है, वो एम्प्लॉय की सिक्योरिटी को मद्देनजर न रखते हुए उसको प्रेस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर कर एम्प्लॉय के साथ कुछ हो गया तो डीडीओ साहिबान उसके लिए जिम्मेदारी होगी उसकी, इसलिए मुझे उनको लगता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको जो गवर्नमेंट के साथ हमारी पहली लेवल की जो टॉक्स हुई हैं उसमें जो गवर्नमेंट ने अश्योर किया एम्प्लॉयज को, तो जब तक हमारे साथ कोई प्रोग्राम फाइनलाइज नहीं होगा मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई प्रेस करना लगता है। बिना फाइनलाइज के ये बुलाया जा रहा है या गवर्नमेंट के साथ उनकी डिस्कशन नहीं हुई है? नहीं, हमें आने वाले समय में लग रहा है कि गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन होगी और बातचीत होगी पूरी तरह से, कि मैं हमने पहले भी कहा आज भी हम कहा कि अगर आपको बुलाया जा रहा है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं इस पर ध्यान दे रही है? अगर नहीं, हम उनको इंटीमेट करते हैं, जो हमारे लिए नोडल अफसर साहब को अपॉइंटमेंट किया गया है हम उनके डोमेन में लाते हैं, जो ग्रीवेंस सेल उन्होंने बनाई है उसमें हमको डालते हैं, उसमें एड्रेस भी होता है, टाइम कभी लगता है, टाइम 2-3 दिन लेकिन एड्रेस होता है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह है, हम भी अपने एम्प्लॉय को खतरे में नहीं डाल सकते हैं कि हम उसको बोलेंगे कि वो 4 एम्प्लॉयज की नोटिफिकेशन निकालेंगे, उसको बोलेंगे आप ऑफिस अटेंड करो, मुझे लगता है कि अभी वो समय नहीं है। ये मुझे लगता है डीडीओ साहिबान को इस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय की जो हत्या है वो उसके वर्किंग प्लेस पर हुई, क्या अगर डीडीओ साहिबान उनके उसको सिक्योर करते हैं वो हमें लेटर लिखकर दे, मैं एम्प्लॉय को सिक्योर करता हूँ, फिर हम सोचेंगे क्या करेंगे आगे। डीडीओ साहिबान जो है अगर श्योर करते हैं कि वहाँ किसी प्रकार की जो है वो अप्रिय घटना नहीं होती जिस प्रकार से सिलेक्टिव किलिंग्स हुई हैं, तो ये जरूर उसके ऊपर अमल करेंगे, लेकिन फिलहाल अमल करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो, फिलहाल हमारी, मैंने कहा ये 2010 से डिमांड है, आज भी डिमांड है, अटैचमेंट के बगैर वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, अटैचमेंट के बगैर कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट को एम्प्लॉय को अटैचमेंट करना चाहिए, इसके बारे में हमने बहुत कुछ बोला है, आपके माध्यम से भी हमने बोला है, मुझे लगता है गवर्नमेंट तक बात पहुंची होगी। क्यों है अटैचमेंट के इसके? देखो, ये सिक्योरिटी का मसला है, जान है एम्प्लॉय की। जब आप एम्प्लॉय, हम वहाँ सिर्फ एक पर्पस के लिए गए हैं, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। जब मैं वर्किंग प्लेस पर ही नहीं सेफ हूँ तो मुझे क्या करना है? कल अगर एम्प्लॉय को मारेंगे फिर उसको क्या करना है उसके बाद? चाहे उसको आप प्रमोशन देंगे, अकोमोडेशन देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस वक्त ये भी दूर करने की जरूरत है शायद किसी सेक्शन में। इतना बड़ा मुद्दा है तो फिर नोडल अफसर जो आप कह रहे हैं या डीडीओ जो कह रहे हैं वो क्यों नहीं समझते इसको? देखो, हम 12 साल से क्या कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि हमारी बात को सुना ही नहीं कभी आपने, ये चीज यही तो ट्रेजडी है, आपने सिर्फ इस बात को सुनना है कि शायद इनको अकोमोडेशन की जरूरत है, शायद इनको प्रमोशन की जरूरत, ये चीजें नहीं है जो हमारी बात को कभी सुना नहीं, शायद यही एक वजह है कि आज भी धरना प्रदर्शन उतरे हैं। और इस समय मैं रिलीफ कमिश्नर जम्मू के ऑफिस में, आप देख सकते हैं पानी जहां पे बरसात हुई है कल से और जहां पे इकट्ठा, और जहां पानी के अंदर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि मैंने कहा था इनको कि बाहर आके बातचीत करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम यहीं पे बैठे हैं, पिछले 40 दिन से यहीं पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अगर कवरेज भी होगी वो यहीं पे होगी। मेरे साथ इनके और भी साथी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आपके साथी कह रहे हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे, तो क्या आपके लिए और ऑप्शन जो है वो खुले रहेंगे, क्या रोड मैप रहेगा? सरकार और आपके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो तो बुला रहे हैं वापस। देखो, मैंने पहले फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, चाहे ये प्रोटेस्ट कश्मीर में चल रहा हो या जम्मू में चल रहा हो, एम्प्लॉय के पास जो एक्सप्रेशन है बात करने का,
ये प्रोटेस्ट के माध्यम से वो बात कर रहा है, आपके साथ बात कर रहा है। हमारे पास यही माध्यम है, सरकार के पास बहुत माध्यम है, जो सरकार का तंत्र है, पूरा स्टेट अपेरेटस है, वो हमारी बातों को समझे और उनको एड्रेस करे। बाकी हमारा फर्स्ट डे से प्रोटेस्ट वही था, प्रोटेस्ट अपनी बात दर्ज कर रहे हैं कि हमारी जो जानों का खतरा है, हमारे अंदर जो एक एम्प्लॉय के अंदर एक जेन्युइन फेयर उसकी लाइफ को लेकर जो है उसको सरकार एड्रेस करे, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स डाले। तो उसके लिए हमारी 2 महीने से तो एड्रेस नहीं हो रहा, वही तो विडंबना है, वही तो ट्रेजेडी है। क्या रोड मैप रहेगा अगला? रोड मैप हमारा आप देखिए, 10 तारीख को हमारा एक सिंबॉलिक जंतर मंतर के अंदर हमारे एम्प्लॉयज जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। वहां से भी उनका जो मैंडेट है कि अपनी बात, क्योंकि जंतर मंतर पार्लियामेंट से बहुत नजदीक भी है, क्या पता हमारी बात वहां से सरकार जो है सुन ले। तो मैंने पहले से कहा कि आप जंतर मंतर जा रहे हैं, लेकिन मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की या भाजपा की, वो तो आपकी आवाज को उठा रही है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, फिर जंतर मंतर जाने का क्या? हमारा अपना मैंडेट है ना, हम प्रोटेस्टर्स हैं, हम एम्प्लॉयज को प्रोटेस्ट करना है, वो हम यहाँ भी कर रहे हैं, हमने जंतर मंतर रखा, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट करेंगे। हमारा मैंडेट जो है वो प्रोटेस्ट है। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग मैं आपको बता दूं, पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय जो पोस्टेड है घाटी कश्मीर में, वो 10 जुलाई को जो है जंतर मंतर में अपना प्रोटेस्ट करेंगे, और उन्होंने कहा कि उनका मैंडेट है वहाँ पे प्रोटेस्ट करना। हालांकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है इनको ऑलरेडी समर्थन दे चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये प्रोटेस्ट करने जाएंगे। पहले कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद लगभग 1 महीने से जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, और इसके बाद अभी जंतर मंतर में जाएंगे। लेकिन ये जो इनकी डिमांड है इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही, ये कहाँ तक बात जाएगी जाने वाला वक्त बताएगा। जंतर मंतर में भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो फिर क्या आपके पास रोड मैप रहेगा? सुनवाई हो या ना हो, मैंने कहा कि हमारे पास जो साधन, एक साधन है हमारे पास बात करने का, आपके पास हमारे साथ बात करने का साधन, मेरे पास बात, मैं बात रख सकता हूँ और मैं बात रखूंगा नॉन वायलेंट वे से, नॉन वायलेंट। ऐसा ना हो कि आप उधर जाएं और कुछ आपके मुलाजमा जो है घाटी कश्मीर में अपनी ज्वाइनिंग दे दें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कोई ज्वाइनिंग नहीं दे रहा, हमारा प्रोटेस्ट यहाँ भी चल रहा है घाटी में। अगर हमारे कुछ लोग ट्रांजिट कैंपों में है कुछ रीजन से, वो भी वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट जो है कंटिन्यू रहेगा। हमारा मैंडेट जो है अपनी बात सरकार तक पहुँचाना, इन्हें पीसफुल। कुछ दिन पहले आपने जो है कंसेंट फॉर्म भरा था, उसका कोई असर नहीं हुआ? कंसेंट फॉर्म जो है वो सरकार में एक नैरेटिव बना था, ठीक है ना, सरकार बोल रही थी कि हमने आपको प्रमोशन दे दी, हमने आपको अकोमोडेशन दे, हम ये करेंगे वो करेंगे। हमने सरकार को ये इन राइटिंग, सरकार को ये ना भ्रम हो कि ये सिर्फ चिल्ला रहे हैं, ये कोई ड्रामाबाजी चल रही है, तो इन राइटिंग जो है कंसेंट फार्म की प्रक्रिया हमने शुरू की, जिसमें कि अभी तक हमारे पास 700 फार्म आ चुके हैं, 2 दिन हो गए हैं और वो कंसेंट फार्म भरे जा रहे हैं जो है वो 5,000 के करीब। हाँ, 1500 फार्म भर चुके हैं, और आने वाले समय में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप भी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिस्सा होंगे, जहां पर हमें कंसेंट फार्म सरकार के सामने भी रखेंगे कि हमारे मुलाजिम जो है उन्होंने इन राइटिंग दिया है कि आप हमें जम्मू में जो है अटैच कीजिए इन व्यू ऑफ द सिक्योरिटी कंडीशंस जो घाटी में बनी हुई है। तो हमारी बात जो है पहले दिन से क्लियर है, हमारे हमें जो है जान का खतरा है, उस जान के खतरे को आप एड्रेस कीजिए। बाकी मेरे साथ यहाँ पे जो है वो महिला कर्मी भी हैं जो कश्मीरी पंडित पैकेज के तहत वहाँ पे लगे हुए हैं, इनसे भी जानने कुछ। मैम क्या कहेंगे, धरना प्रदर्शन में उतरे हैं फिर भी आपकी डिमांड को नहीं सुना जा रहा, धरना प्रदर्शन जहाँ भी कर रहे हैं आज पानी में खड़े होकर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमें नहीं पता, बस हमें अपनी ज़िंदगी बचानी है, तो इसलिए प्लीज़ हमें रिलोकेट किया जाए, प्लीज़ यही सरकार से अपील है, प्लीज़। From first day we are having only one point, that is relocation, that's it. We don't want promotions, we don't want anything. We are having only one goal, one point, that is promotion, that is relocation, please save us. We don't want, again I am saying, we don't want promotions, we don't want transfer, we don't want any security zone, we just want relocation, that's it. आप सुन सकते हैं किस तरीके से कहा इन्होंने, ओनली वन गोल कि वी वांट रिलोकेशन, नो ट्रांसफर, नो प्रमोशन, नो सिक्योरिटी जोन, ओनली रिलोकेशन। और इसी बात को लेके ये धरना प्रदर्शन जहाँ पे कर रहे हैं, हालांकि बहुत बड़ी ब्रेकिंग अभी इस समय ये है कि ये जंतर मंतर में जाएंगे 10 तारीख को और वहां पे जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। और लेकिन सवाल यही रहेगा कि अगर जंतर मंतर में इनकी सुनवाई नहीं होती है तो अगला रोड मैप इनका क्या रहेगा? आखिर में जानना चाहूंगा अगला रोड मैप क्या रहेगा जंतर मंतर सुनवाई नहीं होती, अगला रोड मैप प्रोटेस्ट बातचीत। लास्ट बार मैंने पूछा था कि आपका जो वेरियस कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको समर्थन नहीं दे रही है, अभी तक भी उनका जो है एक म्यूचुअल प्लेटफॉर्म पे समर्थन नहीं आया, आपको लगता है वो भी कहीं ना कहीं आपकी जो इस लड़ाई को कमजोर कर रहा है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वेरियस कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन उनके यहाँ पे नुमाइंदे भी आए, सुबह भी हमारे साथ अशोक जी यहाँ पर थे, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो माइग्रेंट वेलफेयर एसोसिएशन है। तो हम होप करते हैं, आशा करते हैं, जो भी हमारे लीडरान साहब है वो यहाँ हम अपने बच्चों को जो है रिप्रेजेंट करेंगे, अपने बच्चों की बात जो है सरकार तक पहुँचाएंगे, ये बच्चे सरकार से क्या मांग रहे हैं, ये बच्चे सरकार से सिर्फ रिलोकेशन मांग रहे हैं, और रिलोकेशन वो भी जम्मू में रिलीफ कमीशन ऑफिस के दफ्तर में, और चाहते हैं कि जब तक सिक्योरिटी का सिचुएशन घाटी कश्मीर में
ठीक नहीं होती है तब तक इनको जम्मू में ही जो है वो रिलोकेट किया जाए, इससे ज्यादा कोई डिमांड नहीं है। और इसी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए 10 जुलाई को ये धरना प्रदर्शन भी जंतर मंत्र में देंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहिए गर्जन बच्चों के साथ, कैमरा काका के साथ, मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।